तो गाइज मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस करो कि हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। प्लीज सबसे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दो। एक बार हमें बता दो कि हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। जल्दी फटाफट फटाफट, आवाज आ रही है? हेलो। सो गाइस देखो, एग्जाम आपका है, तैयार हम लोग इधर होके खड़े हैं। सबसे पहले देखो, ये क्लियर कट बात पता है कि 1 घंटे के अंदर 16 चैप्टर होना, मतलब आप समझ सकते हो, आप इतने तो समझदार हो सकता है, आप ऐसे कितने लोगों ने फिजिक्स देखा भी नहीं होगा तो भी पता है कि पॉसिबल ही नहीं है। बस हम एक बार ऊपर ऊपर से एक बार आपकी नजरों पे से सब टॉपिक एक बार घुमाएंगे। ओके, तो रेडी हो? मैं पहले ही क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, जैसे आप सभी को पता है कि 1 घंटे के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी हम आपके नजरों पे से एक बार टॉपिक घुमाना चाहते हैं, जिससे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको एक बार क्लिक हो जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा कुछ याद रहेगा उससे रिलेटेड, तो जो याद रहेगा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दोगे। समझ में आया? डरने का नहीं, डरने वाली चीजें लास्ट में बात करेंगे अपन। बस 1 घंटा नहीं, कितना, 45 मिनट में जितना होगा उतना करेंगे, 45 मिनट में इसके बाद आपको फ्री कर देंगे जितना भी होगा, क्योंकि देखो 45 मिनट में जितना होगा उतना हम लोग बताएंगे और इसके बाद फ्री करेंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पार्ट टू से चीजें स्टार्ट करना चाहिए, फास्ट रिवीजन। देखो हमने पार्ट टू में सबसे पहले सेमीकंडक्टर देखना चाहिए। अगर आपका कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ है तो ये फास्ट लेसन आप कवर कर सकते हो। और जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हाफ वे रेक्टिफायर है, आप फटाफट जो वर्ड्स बोल रहे हो दिमाग पे बिठाते जाओ, अब टाइम नहीं बचा है। और जो ऐसा स्टूडेंट है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, पार्ट टू के कुछ लेसन उसको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे मैंने बोला कि हाफ वे रेक्टिफायर में पॉइंट फटाफट आप कॉमेंट में लिखते जाओ, ओनली वन डायोड इज यूज। देखो ये डायग्राम देख के ही आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, और देखो यहाँ पे ओनली वन डायोड यूज है। फिर मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला, ये सब आप लिखो कि कौन किसको सीरीज में कनेक्टेड है। पर मैंने यहाँ पे आपको एक वर्ड बोला था, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखो यहाँ पे आपको कहीं पे मिलेगा, व्हेन द पॉजिटिव हाफ साइकिल है। देखो बस ये वाला वर्ड एक बार फटाक से रिवाइज कर लो, व्हेन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, वोल्टेज एट पॉइंट ए इज हायर देन वोल्टेज एट पॉइंट बी। फटाफट आप लिख दो, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आप क्या लिखोगे, वोल्टेज एट पॉइंट ए इज लोअर देन वोल्टेज एट पॉइंट बी। बस अगर आपने इतने सारे पॉइंट्स अगर लास्ट टाइम पे रिवाइज कर दिया तो आपका काम हो गया। आप देखो ये फुल वे रेक्टिफायर है, आप इंस्टेड ऑफ वन डायोड यहाँ पे आप कितना डायोड यूज कर रहे हो, टू डायोड यूज कर रहे हो। तो जस्ट ये डायग्राम लास्ट मोमेंट पे आपको देख लेना चाहिए। आप भी अपने सामने बुक ओपन रखो, फटाफट मेरे साथ अगर रिवीजन करना चाहते हो तो जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें भी वही लिखना है, पर यहाँ पे आप क्या लिख रहे थे, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वोल्टेज एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट पॉइंट बी। यहाँ पे भी वही सेम था, देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे देखो कहीं लिखा होगा, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल इन, देखो वोल्टेज एट पॉइंट ए इज हायर देन वोल्टेज एट पॉइंट बी। यहाँ पे आप नेगेटिव हाफ साइकिल में लोअर लिख रहे थे, पर यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे हायर होगा। तो देखो यहाँ पे अगर ये देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट देखो वोल्टेज एट बी इज हायर देन वोल्टेज एट ए, मतलब बी वाला है, मतलब उसका मतलब सेम वही वाला पॉइंट है। तो अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसका देखो यहाँ पे आप यहाँ पे वेव फॉर्म भी बना सकते हो। देखो ये पूरा का पूरा बनाया, देखो ये पहले वाले डायोड का एक एक गैप बना दो, दूसरे वाले डायोड में यहाँ पे बना दो, और ये पूरा का पूरा डायग्राम है। और ये देखो ये हाफ वे रेक्टिफायर का आप बना सकते हो इनपुट आउटपुट डायग्राम, देखो यहाँ पे दूसरा वाला गैप है, फिर ये फटाफट ऐसे रिवाइज करते जाओ, ज्यादा टाइम नहीं बचा। हाँ दोस्तों यहाँ पे एडवांटेज है, पहला आप रेक्टिफिकेशन एक वर्ड फटाफट कॉमेंट करके बता दो, और दूसरा क्या है रिपल। देन इसके बाद आप अगर देखोगे रिपल क्या होता है दोस्तों, रिपल फैक्टर बस ये आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी कम्पोनेंट टू द डी सी कम्पोनेंट। फिल्टर सर्किट क्या होगा दोस्तों, फिल्टर सर्किट बस यूज टू रिमूव द रिपल, बस ये वर्ड याद रखो आपका काम हो गया। देन दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट आप जेना डायोड है, और जेना डायोड कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, ब्रेकडाउन पे। देन इसके बाद इसका डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम देखो, देखो ये सिंबल एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। देन डायरेक्ट इसका आप क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम देख लो भाई, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस पे आपको करंट दिखाई दे रहा है, फटाफट यस बहुत अच्छा रिविजन होते जा रहा है। देन अगर आप आगे चल रहे हो, ज्यादा कुछ देखना नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन देखना है, बता दो चलो जेना डायोड का एप्लीकेशन कहाँ पे। देखो कांस्टेंट वोल्टेज, जेना डायोड इज यूज व्हेन अ कांस्टेंट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। प्रदीप सर आप इस साइड आ जाओ जल्दी जल्दी फास्ट।
मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये जो सेशन है बस आपके लिए, पूरा का पूरा। देखो फोटो डायोड है, जस्ट फास्ट फटाफट प्रैक्टिस कर लो दोस्तों। देखो ये, देखो ये, और फोटो डायोड इज ऑल्सो कॉल्ड फोटो डिटेक्टर एंड फोटो सेंसर। बस ये एक वर्ड आप आराम से रखो, इट जनरेट करंट व्हेन एक्सपोज टू लाइट। एक बार नजरों से घुमा लो, बस एक बार दिमाग में बिठा लो। देखो ये दिमाग में बिठा लो, देखो यहाँ पी रीजन था, एन रीजन था, यहाँ पे देखो सिलिकॉन नाइट्राइड कोटिंग था। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता है तो आप लिख सकते हो। ये देखो ये कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम मैंने बोला था, आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो। देन इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर कुछ नहीं हो रहा है एडवांटेज, चलो फटाफट एडवांटेज लिख दो। देखो एडवांटेज में क्या लिखोगे, हाई स्पीड ऑपरेशन, मैं तो बोला था लाइट वेट सबसे ईजी है, और लो कॉस्ट लिखोगे। डिसएडवांटेज में आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, डिसएडवांटेज में इसमें से देखो लो रिवर्स करंट, ये आप डायरेक्ट इतना भी लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अलार्म सिस्टम और दूसरा स्विचेस, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो ऐसे ही फास्ट रिविजन होता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। देखो सोलार सेल, मैंने आप बोला कि सोलार सेल आप डायरेक्ट यार फ्री ऑफ कॉस्ट एक लिख दो, टू मेजर डिवाइसेस जो इसके अंदर कन्वर्ट करता है सोलार एनर्जी को। तो पहला क्या है, फोटो थर्मल डिवाइस, और दूसरा क्या है दोस्तों, फोटो वोल्टेइक डिवाइस। और यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत इजी है। सोलार सेल वर्क एज ए सोर्स ऑफ डीसी पावर, बाद में सोलार सेल सप्लाई द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एट रिमोट प्लेसेस ऑन अर्थ। ये अगर लिखना है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला वर्किंग के लिए अच्छे से याद कर लो। रेयर कॉन्टेक्ट, यहाँ पे क्या करोगे, फ्रंट कॉन्टेक्ट, यहाँ पे देखो एमिटर और यहाँ पे बेस। जो बच्चा लास्ट टाइम पे भी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, यस बहुत अच्छा, अगर वो ये सब डायग्राम देख ले रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि आपके आप आराम से निकल जाओगे एग्जाम। अब देखो यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो थोड़ा बहुत, अब टाइम नहीं बचा है कि ये सब आपको पढ़ना है। बस ये देख लो, एन रीजन है, डिप्लीशन रीजन है, पी रीजन है, इट कंसिस्ट एन रीजन, डिप्लीशन रीजन, ऐसे ऐसे फटाफट वहां पे एग्जाम में लिख देना। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम आपको देख लेना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर है, ये देखो यहाँ पे देखो ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपको देखो करंट दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस पे आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है। देन अगर आप आगे चलते हो, यहाँ पे यूजेस ऑफ सोलार सेल बहुत सिंपल है। यूजेस तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉमेंट में लिख दो, चार्जिंग बैटरी ड्यूरिंग अ डे टाइम फटाफट। देन इसके बाद दोस्तों एलईडी, देखो वो अगर आप देखोगे उसके सिंबॉल में एरो अंदर के साइड था, यहाँ पे एलईडी में एरो बाहर के साइड है। ये आपने सिंबॉल प्रैक्टिस कर लिया, यहाँ पे इसका डेफिनेशन है एक आपने देख लिया। हाँ ये एक बार देख लो, देखो यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, यही सब चीजें भाई लास्ट टाइम में ऐसे ही आपको चीजें कवर करना है। देन अगर आप ध्यान से आगे चलते हो वर्किंग, अब देखो वर्किंग आपको बस ये पढ़ लो। देखो एन टाइप, ये डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे एन टाइप है, यहाँ पे पी टाइप है, और डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम, सभी के कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम दिमाग में बिठा लो। और उसके बाद एडवांटेज, चलो फटाफट लिख दो एडवांटेज। देखो लॉन्ग लाइफ, देन इसके बाद आप डायरेक्ट एनर्जी इफिशियंट लिख सकते हो। और अगर आप डिसएडवांटेज, देखो डिसएडवांटेज आई थिंक ऊपर है, सॉरी नीचे ही है। देखो यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हो, देखो यहाँ पे हाई इनिशियल कॉस्ट, फटाफट लिख दो एक डिसएडवांटेज। और यहाँ पे देखो एप्लीकेशन ऑफ एलईडी में आप इसमें से कोई भी लिख सकते हो, जैसे आप एलईडी टीवी, आपको पता है एलईडी टेलीविजन है आपको। इसके बाद और भी एक दो, बस एक दो याद कर लो, व्हीकल हेडलैम्प। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें दिमाग में बिठा सकते हो। अब देखो यहाँ पे बीजीटी के बारे में अगर आपको लास्ट टाइम पे कुछ नहीं पता तो मैंने बोला ये दो दिमाग में बिठा लो, एक यहाँ पे आपको पीएनपी दिखाई दे रहा होगा, एक एनपीएन। बस याद रखना पी में क्या होगा पता है, गाड़ी अंदर के साइड दिखाई दे रही है देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एरो बाहर के साइड है, ये गड़बड़ नहीं करना। तो ये अगर आपने इतना भी बना के थोड़ा बहुत लिख दिया तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो मैंने बोला था इसके अंदर थोड़ा सा आपको एक ये वाला पार्ट देख लेना चाहिए था, कौन सा, एम्पलीफायर वाला पार्ट थोड़ा सा, अगर जो लास्ट में देखना चाहता तो वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर थोड़ा सा देख लोगे तो अच्छा है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लॉजिक गेट में मैंने आपको कुछ नहीं बोला है करने के लिए, बस आप क्या करो पता है, सभी के सिम्बॉल्स, सभी के सिंबल्स अगर आप फटाफट कर लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं और गेट की बात करूं, और में क्या होगा, प्लस होगा, ये देखो ये दोनों है प्लस में चले गए। और का ही जस्ट अपोजिट क्या होता है जल्दी बताओ, नॉर होगा। और का ही अपोजिट आपको नॉर कहीं पे तो दिखाई देगा यार, नॉर कहाँ है, ये देखो नॉर, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, प्लस था ना, तो यहाँ पे ऊपर लाइन आ जाएगा, नॉर में देखो ऊपर लाइन आ जाएगा, देखो ऊपर लाइन आ गया। बाद में एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, यहाँ पे अगर आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आपको लाइन दिखाई दे रहा है। जो लोग लास्ट टाइम में देख रहे हैं वो उसको लाइन ही बोलेंगे, तो इसलिए उनके लैंग्वेज में ही मैं बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे तो आराम से आप पूरा का पूरा लेसन हो गया। तो ऐसे आप फर्स्ट टाइम में
क्विक रिवीजन इस तरह से आपको करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखो आगे के लेसन भी देखो मैं कितना फास्ट और कितना जल्दी जल्दी आपके दिमाग पे बिठाता हूँ। देखो गाइस लास्ट टाइम चल रहा है, एक बार नजरों पे से सभी कुछ को घुमा लो, समझ में ना आए पर एक बार सब कुछ चीजों को देख लो, मैं यही बोलूंगा, सब कुछ फटाफट देख लो। देखो यहाँ पे लेसन नंबर 15, थोड़ा सा जल्दी से, लेसन नंबर 15 में मैंने क्या बोला, बस 5 मिनट टाइम, हाँ बस ये 5 मिनट है अपने पास लेसन नंबर 16 के लिए। अब देखो ये वाला डायग्राम देख लो, ग्रेगर एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने क्या बोला, देखो अल्फा पार्टिकल है यहाँ पे, अगर गोल्ड फॉइल है तो मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, कोई डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये सब पॉइंट जो यहाँ का है वही आप लिख दो, बस डायग्राम आपने देखा है तो। मैंने बोला था आपको डिफिकल्टीज ऑफ रदरफोर्ड का, एटलीस्ट डिफिकल्टी जो आपने पहले पढ़ा है वही आप यहाँ पे एक बार लिख दोगे तो भी चलेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, बस ये वाले को आप आराम से देख लो, देखो ऊपर सबसे ऊपर क्या है दोस्तों, लाइमन सीरीज है, फिर क्या है बाल्मर है, फिर क्या है पास्टन, एलपीबी याद रखो। और दोस्तों डायरेक्ट आप क्या करोगे, 1/λ विच इज इक्वल टू आर, यहाँ पे पहले एन है फिर एम है, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला, फिर यहाँ पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद, हाँ इसके बाद डायरेक्ट आपको ये तीनों पोस्टुलेट एग्जाम ने पूछा हुआ है, ये पहला वाला क्या था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस, दूसरा वाला क्या था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2π, और तीसरा वाला क्या था दोस्तों पता है, ट्रांजिशन से रिलेटेड था। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट हैविंग अ लोअर एनर्जी, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप बस इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। देन इसके बाद दोस्तों ये होने के बाद रेडियस ऑफ ऑर्बिट में मैंने क्या बोला था, ये फॉर्मूला देखो, एम वी आर विच इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। फिर मैंने क्या बोला था, ये होने के बाद देखो ये वाला नेक्स्ट वाला पार्ट है, और ये दोनों को इक्वेट करके अपने को आर एन निकालना था और वी एन निकालना था, और फाइनली हम यहाँ पे ये वाले पहुंच जाते हैं। तो ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पे बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया, तो ये वाला एक आपको देख लेना चाहिए। देन इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, हाँ भाई ये वाला डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस डायग्राम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी लेवल एंड ट्रांजिशन बिटवीन हाइड्रोजन एटम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। ये देखो जो सर ने बोला LBP आप डायरेक्ट याद कर लो, और ये दो अलग से याद कर लो, और यहाँ पे देखो जीरो है, ये याद रखो, एटलीस्ट लास्ट वाला याद रखो कि यहाँ पे अगर समझो n इक्वल टू इन्फिनिटी है तो वहां पे e का वैल्यू क्या है, जीरो है, और लास्ट वाला 13.6 है। देन अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आयोनाइजेशन का एक डेफिनेशन आपको रीड कर लेना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ बोर्थ मॉडल, तो बोर्स मॉडल में लिमिटेशन में मैंने बोला था फर्स्ट वाला एटलीस्ट दिमाग में बिठा लो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन, बस इतना ही, अदर देन हाइड्रोजन, चलो ये फटाफट लिखो। देन इसके बाद आप दूसरा लिखोगे, देखो इंटेंसिटी ऑफ द इमिशन ऑफ लाइन सीम टू बी डिफर फ्रॉम लाइन टू लाइन, बस इतना लिखोगे तो भी। अब देखो डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन में मैंने बोला था ये बस प्रैक्टिस कर लो और ये फाइनल इक्वेशन याद कर लो ये। देन इसके बाद यहाँ पे कुछ डेफिनेशन से वो आपको फटाफट मैंने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटॉप्स, वो सब तो आपने छोटे क्लास में पढ़ाई है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का बस आप नॉर्मल सा एक डेफिनेशन लास्ट टाइम में देख लो, वो सब हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी जो अल्फा बीटा और गामा का मैंने बोला है दो दो पॉइंट आपको कवर कर देना है यहाँ पे एक। हाँ देखो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये आपको एटलीस्ट देख के जाना चाहिए। तो देखो मैंने बोला लास्ट टाइम में अगर आप कर रहे हो फिर भी आप समझ जाओगे, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले क्या आएगा, डीएन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी, बाद में मैंने बोला कि यहाँ पे देखो डायरेक्ट याद रखो, यहाँ पे देखो डायरेक्टली का साइन हट गया, लैम्बडा आया, लास्ट टाइम पे याद रखो तो इतना भी कुछ नहीं पड़ गया हुआ है तो ये ध्यान दो। देन इसके बाद दोस्तों अगर ध्यान से देखो लिमिट याद रखो, एन जीरो से लेके एनटी है और यहाँ से जीरो से लेके टी है, तो दोस्तों मैंने ये बताया भी था कि कैसे आया, पर जो बच्चा लास्ट टाइम पे देख रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे याद रखे, इंटीग्रेट नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, log of nt upon n0 याद रखे, और फाइनली nt equal to यहाँ पे क्या होगा n0 e raise to minus t, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है ये भी मैंने बताया था। तो ये फटाफट है, अगर यहाँ पे हाफ लाइफ आया तो यहाँ पे देखो n0/2 लेना है और वैसे सेम इसको करना है, तो हो गया ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। देखो यहाँ पे ये तो बस डेफिनेशन आपको करना है, हो गया ये लेसन भी हो गया पूरा। लेसन नंबर 14 देखो, इसके अंदर सबसे पहले मैंने ये बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत सिंपल सा था, इसका डेफिनेशन देखो यहाँ पे ही है, मैंने क्या बोला था द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एमिट्स करना
फ्रॉम द मेटल सर्फेस वेन रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन इट, और बस ये डायरेक्ट याद रखो, देखो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे उसके ऊपर यहाँ पे क्या करेगा रेडिएशन उसके ऊपर आएगा, इंसिडेंट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा एमिट होगा। डायग्राम देख के भी आप समझ सकते हो भाई। अब देखो डायरेक्ट ये अगर आपको समझ में आया तो मैंने बोला डायरेक्ट ये डायग्राम याद रखो। इस डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे एमिटर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है, दोनों किससे कनेक्टेड, वोल्टेज से कनेक्टेड है। बस ये डायरेक्ट लिख दोगे, यहाँ पे देखो क्वार्ट्ज विंडो है, बस आपका काम हो गया। देन इसके बाद मैंने क्या बोला था ऑब्जर्वेशन में, एटलीस्ट ये वाला ऑब्जर्वेशन याद रखो, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एक। और एक मैंने बोला था कि एक इजी अपने मन से एक लास्ट वाला कोई भी एक आप याद कर सकते हो जो तुमको सिंपल लगे, तो एक जो आपने रखा होगा उसको आप रिवाइज करो। देन इसके बाद मैंने क्या बोला, दो ही ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है, दो से ज्यादा ऑब्जर्वेशन आपको याद करने की जरूरत है क्या, नहीं। अब देखो आइंस्टाइन पोस्टुलेट में मैंने क्या बोला था, ये इक्वेशन आप याद रखो, और यहाँ पे का लाइन मैंने बोला था, देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट मैंने क्या बोला था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब ये होने के बाद दोस्तों अब आगे चलते हैं। इसमें भी मैंने आपको बोला था कोई भी दो पॉइंट आप याद रखो, इसमें भी मैंने बोला था कोई भी दो पॉइंट, तो देखो यहाँ पे इसके अंदर ऑब्जर्वेशन में दो पॉइंट आपको कौन सा वाला याद करना था, एक सेकेंड ना, देखो ये वाला एक पॉइंट मैंने बोला था, इंक्रीज द इंसिडेंट इंटेंसिटी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन और इवेंचुअली सैचुरेशन करंट, ये मैंने बोला था। और एक और मैंने टाइम लैग से रिलेटेड ही कुछ बोला था, तो वो वाला जो मैंने बोला था उसको आपको एक रिवाइज कर लेना चाहिए। अब देखो दोस्तों ये हो गया, हाँ ये फोटो सेल मैंने बोला था भाई अच्छे से करके जाओ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखो एक तो सबसे इजी है कि फोटो सेल कैन बी आल्सो यूज स्विच ऑन ऑफ ऑन स्ट्रेट लाइन, और सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे लिखोगे फोटो सेल इज अ डिवाइस यूज टू मेक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बस। अब लास्ट टाइम पे अगर इतना भी आप दिमाग में बिठा लोगे तो आपका काम हो गया। देखो ये एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था दोस्तों, आ गया। हाँ देखो ये डी ब्रॉगलीस हाइपोथेसिस 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, मैंने बहुत सिंपल बताया था, मैंने बोला इसमें आप ये याद रखो पी इक्वल टू एच बाय लैम्बडा, और यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे देखो लैम्बडा का आप वैल्यू निकालोगे तो एच बाय पी आएगा, और यहाँ पे या तो आप लैम्बडा इक्वल टू एच बाय पी मतलब क्या होगा एम वी होगा, ये डायरेक्ट याद रखोगे तो भी चलेगा। और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जस्ट यहाँ से आप वी का वैल्यू निकालो, इसके अंदर पुट करो, पुट करने के बाद आपको डायरेक्ट आपको लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा, और मैंने बोला ई की जगह पे आप क्यू भी रखो तो आपका तुरंत काम हो जाएगा। और ये फाइनल इक्वेशन है कि याद रखो 1.228 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, और एक न्यूमेरिकल वहां पे देख लो, हो गया काम, बस इससे ज्यादा इसके अंदर और कुछ नहीं करना है। सो गाइस एक तरीका हम लोग बता दिए हैं कि आपको किस तरह से क्या क्या करना है, सिंपल सी बात है या 100 की सीधी बात है कि अगर जिसका पढ़ के जिसने पढ़ा होगा उसको दिख रहा होगा कि उसका रिवाइज हो रहा होगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा उसको हो सकता है फोटो फोटो सब दिख रहा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कोई शक्तिमान तो इधर है नहीं कि डायरेक्ट ही एक एक टॉपिक देखा जाए तो एक एक टॉपिक दो दो घंटे में समझाने वाला टॉपिक है, फिर भी हम आपके नज़रों पे से घुमा रहे हैं और सुबह उठे हुए हैं, हमें भी उठने का मन नहीं कर रहा, रात भर थके हुए हैं, तो अब हम क्या करके डायरेक्ट एक ही बारे में बता देंगे कि पूरे चैप्टर के अंदर कैसे कैसे करना है वो रोल। देखो मैंने आपको एक तरीका बताया वो रोल, अब आपको इस तरीके का यूज करके अपना फटाफट रिविजन करना चाहिए, जैसे एसी सर्किट। अब मैंने एक तरीका आपको बताया कि आपको फास्ट रिवीजन मॉर्निंग के टाइम पे कैसे करना है, लगभग मैंने 3 लेसन देखो कितना फटाफट बता दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो अभी एसी सर्किट है, इसमें आप फटाफट फेजर डायग्राम देखते जाओ, सभी के फेजर डायग्राम यहाँ पे देखते जाओ। आरएमएस वैल्यू में अगर हमें लेके जाना है तो 0.707 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे दोस्तों हमें उसी के जस्ट बाजू में देखो 0.637 से मल्टीप्लाई करना है अगर एवरेज वैल्यू निकालना है। तो ऐसे आप फटाफट खुद कर सकते हो यार, जल्दी जल्दी देख सकते हो, आपको ये सेशन भी देखने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद सभी के देखो फेजर डायग्राम हमने बताया था, देखो ये जब यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से फेजर डायग्राम स्टार्ट होगा, फिर कहीं पे माइनस नीचे से स्टार्ट होता है, कहीं पे ऊपर से स्टार्ट होता है, तो ये फटाफट 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 अगर आप देख लोगे ना तो आप जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो, मैग्नेटिक मटेरियल खत्म कर लो, एसी सर्किट खत्म कर लो। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट फर्स्ट पे ही बता देता हूँ कि अब लास्ट टाइम पे आपको कैसे फटाफट कवर करना है। देखो अपने आप जो ये देखो ये देखो
देखो जिनका कुछ भी नहीं हुआ है लास्ट के, मैं इसलिए आया था कि उनके तीन लेसन अगर मैंने जो रिवाइज कराया वो अगर पढ़ ले तो उनका काम हो जाएगा, एक मैग्नेटिक मटेरियल कर ले आराम से पास हो जाएंगे। अब देखो जिसका करंट इलेक्ट्रिसिटी भी वो कर सकते हैं, और फटाफट आप पहले पार्ट टू रिवाइज करो, जिस स्पीड से मैंने बताया उसी स्पीड से आपको एक सिखाया मैंने कि मॉर्निंग में आप कैसे रिवाइज कर सकते हो, और उसके बाद आप डेरिवेशन फटाफट देखते जाओ कि भाई डेरिवेशन में कैसे स्टेप से किसमें क्या लिखना है, किसमें ये करना है, उसमें ये रखना है, फटाफट। वही मैं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स वन भी अभी आपको कवर करना है। फिजिक्स वन में भी सर आपको बता दे रहे कि ये ऐसे ऐसे बस आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। फिजिक्स वन में बस बता देना कि ऐसे हमें करना है। देखो बस आप अभी कर, क्योंकि फिजिक्स वन कोई भी पार्ट है अभी, अब आपको तरीका बता दिया, आपके पास दो तीन घंटे। देखो गाइस अभी सॉल्व करना, न्यूमेरिकल बैठ के करना, क्या ही बोलूं अब, इतने तो समझदार हो। ठीक, ये वैशाली लिख रही है सर प्लीज फास्ट। अब इससे ज्यादा फास्ट क्या, एक मिनट में एक खत्म कर दूं। वैशाली क्या यार, आपको क्या बोलूं। अब देखो अगर मैं रोटेशनल डायनेमिक की बात करूं, रोटेशनल डायनेमिक के अंदर देखो ये कुछ डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन का। रेडियस वेक्टर आप सभी को पता है कि वेक्टर सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारा, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हम एंगल ट्रेस करते हैं रेडियस वेक्टर का यूज करके, फिर इसके बाद ये सब छोटी छोटी चीजें तो मुझे लगता है आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 2πr अपॉन टाइम पीरियड, और इसी को रेसिप्रोकल करो। फिर इसके बाद अगर प्लेन कर्व के लिए आया तो ये वाला फॉर्मूला याद रखने का, प्लेन कर्व के लिए आया तो ये वाला फॉर्मूला याद रखने का, सेंट्रीपिटल इक्वल टू म्यू एन। और ये इक्वेशन तो आपने अब कल तक देखा ही होगा भाई, इतना बैंकिंग ऑफ रोड में मैंने बोला डायग्राम तो आपको ये बनाना है, डायग्राम ये बनाना है, बट इसके साथ ये थोड़ा याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, कौन किसको बैलेंस कर रहा है और कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, बट फिर दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देना, दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर देना, और एन के जगह पे आप सभी को पता है कि म्यू एन रखना, और सब में से एन कॉमन आ जाएगा, आपको पता होगा, हमें खुद वो लग रहा है यार, बट क्या ही करें। अब कोनिकल पेंडुलम इसलिए समझाया था यारो कि पढ़ाई कर लो, और कोई तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे काम नहीं आएगा इस समय। टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा क्या दे रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है। दोनों का बैलेंस करके फिर से सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करोगे तो पहले ओमेगा निकल जाएगा, फिर इसके बाद ओमेगा की जो वैल्यू आएगी उसमें टाइम पीरियड पुट करेंगे, देन इसके बाद फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा। लास्ट टू लास्ट अगर मेरे से हो पाता तो मैं तुम्हारा पेपर लीक किया जाता, बस यही कर सकता हूँ। ये देखो ये डायग्राम एटलीस्ट ड्रॉ कर लो, इससे रिलेटेड याद रखना, इससे रिलेटेड देख के यहाँ लिखना है कौन किसको बैलेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सभी चीजें कॉनिकल पेंडुलम के अंदर। फिर इसके बाद VCM के अंदर मैंने बताया था कि ये देखो लाइन एक दूसरे के अपोजिट है, तो टेंशन और ये M, मतलब टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या देता है, इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर देता है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। मैं बोल रहा हूँ इतना तो कोई टीचर नहीं होगा कि सुबह उठ कर रिवाइज आप दिखा मैं रहा हूँ आप लोगों को। लास्ट टू लास्ट मैंने बोला कि अगले पिछले दो बार से हम लोग फिजिक्स के लिए सुबह उठते ही नहीं थे, क्योंकि सिंपल सी बात है फिजिक्स में कोई मतलब ही नहीं होता, बट आप वो बैच हो जो हमारा कनेक्शन आपसे बहुत है इसलिए हम लोग आपके लिए उठे भी है, समझ में है। अब इसके बाद हाँ, तो इससे रिलेटेड ये आपने किया, इसमें आपको सबसे पहले याद रखो यहाँ ए बी और सी, चलो ए और बी और सी पे क्या स्पीड रहेगा, वी की वैल्यू क्या रहेगी, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो वी की वैल्यू क्या क्या रहेगी। वी की वैल्यू ए पे क्या रहेगा, अंडर रूट फाइव आर जी, अंडर रूट थ्री आर जी, और अंडर रूट सॉरी बी पे अंडर रूट आर जी, और सी पे अंडर रूट थ्री आर जी, ये फटाफट आपको पता रहना चाहिए, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। फिर इसके बाद वी ऑफ ए फाइंड करोगे, फिर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये सबका कंपैरिजन करने का मोमेंट पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए, किसका फाइंड करना है, बी का फाइंड करना है, तो उसका बी से कंपैरिजन करने का, पोटेंशियल एनर्जी बी, काइनेटिक एनर्जी बी। अगर सी का फाइंड करना है तो अगेन ए का सी के साथ फाइंड करने का, ए का सी के साथ अगेन फाइंड करने का, यहाँ दिया होगा कहीं हाँ। और याद रखो टेंशन डिफरेंस टेंशन ये वाली वैल्यू याद रखो, टी ऑफ ए माइनस टी ऑफ बी इक्वल टू 6 mg। ओके, दोनों के बीच में ए और बी के बीच में कितना टेंशन डिफरेंस है, 6 mg। ये मैंने जब मैं उस दिन भी करा रहा था तो मैंने आपको बताया था, जो जब मैं सॉल्व करवा रहा था तो उस समय आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब एक दो TSS को। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप सभी को पता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर,
आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 1/2 mv2, और सबको प्लस करके पहले पार्टिकल के लिए फाइंड करो, दूसरे पार्टिकल के लिए और सबको प्लस कर दो। देन इसके बाद रोटेटिंग डिस्क, ये करके जाना भाई ये रोटेटिंग डिस्क, ओके। इसमें सरफेस डेंसिटी से स्टार्ट होता है, मास अपॉन एरिया, दूसरे वाले का भी मास अपॉन एरिया, बस याद रखना पहले हम डिस्क का फाइंड करेंगे देन रिंग का फाइंड। बता दो कैसे करना है रिंग, हां रिंग का फाइंड करना है गाइस। देखो एक चीज मैं स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग बता देना चाहता हूं कि जिसने कुछ भी जिसने कुछ भी अभी नहीं किया है, जिसने कुछ नहीं किया, जिससे कुछ नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट हमारे ऐप पे फ्री में, और हमने बहुत पहले से फ्री करके रखा हुआ है, हमारे फ्री मटेरियल सेक्शन में ये जाके डायग्राम देखो, डायग्राम से रिलेटेड जो आप लिख सकते हो एटलीस्ट आपको डायग्राम याद होना चाहिए, समझ में। और पहले बता रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो MCQs होते हैं वो जल्दबाजी में मत लिखना। अगर आपने एक बार लिख दिया और कट करके वापस लिखा तो आप चाहिए तो आप मेन क्वेश्चन पेपर आपका सेक्शन बी से स्टार्ट करना, नहीं वो जगह छोड़ देना, इतना जगह छोड़ देना आगे का, और जो आपको 100% आ रहा होगा वो लिख लेना। हाँ। और बाकी का पहले आप फिर वो स्टार्ट कर दो। MCQ के लिए एक रूल है याद रखो, MCQ के लिए ये रूल है कि अगर आपने एक बार लिख दिया है और बाद में आपको कहीं से पता चलता है और कट करके फिर से सही करते तो मार्क्स नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो ये चीज दिमाग में रखना है, ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखना है, अगर कट करके फिर से करोगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। और दूसरी बात, कुछ भी नहीं हो रहा है, अब देखो सिंपल सी बात है, जो बच्चा देखेगा उसी का रिवाइज होगा, अगर नहीं किसी कुछ कुछ हुआ है तो डायग्राम देखो और उससे रिलेटेड कुछ भी गाने लिख के लाओ। पहले आप पार्ट टू के कुछ लेसन करवा कर लो, क्योंकि उसमें ना तो आपको डेरिवेशन है ना तो कुछ है, तो वो थियरी टाइप में, इसमें भी कुछ चीजें थियरी में जो है, जहाँ पे डिस्टेंस गेज पूछा है ये सब पूछा तो वो सब कवर कर लो, और फिर ये सब पार्ट का कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फर्स्ट और बीच का स्टेप और फाइनल स्टेप, अभी भी आपके पास 2 घंटे का अच्छा टाइम है। एक और तरीका बता रहा हूँ मैं अपने उसके अंदर, क्या नाम है ये टेलीग्राम में 16 चैप्टर फिर से भेज रहा हूँ, 2 की स्पीड में भगा के देखो, 2 की स्पीड में भगा के देखो, भले आपको कुछ समझे ना समझे कुछ ना कुछ सुना ही देगा, समझ में कुछ ना कुछ सुनाई देगा, ये चीज आपको फॉलो करना है। 70 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करके आना, जितने लोग 1700-1800 जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, याद रखना कि पेपर 70 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करके आना, एक भी पेपर में चाहे आप गलत लिख देना सही लिख देना पर पेपर अटेम्प्ट करके आना। कभी कभी क्या होता है पता है, कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं तो उसके मार्क्स फ्री के मिलते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना, हाफ आप कुछ ना कुछ तो मिलेगा कुछ तो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार पूरे नोट्स को एक बार देख डालो, तो इससे क्या होगा कि कुछ नहीं समझ में आएगा तो कुछ तो लिख के आएंगे। और आज केमिस्ट्री का तो कुछ टेंशन मत लेना, केमिस्ट्री का बहुत अच्छा अपना पूरा प्लानिंग है, हम पहले चीजें बताते नहीं है क्योंकि आपके मन में फिर कैसा टेंशन आएगा, तो हम डायरेक्ट केमिस्ट्री का सबसे पहला अपना 3 बजे से देखो, पहले 2:30 को अपना पेपर सॉल्यूशन रहेगा। हाँ, पेपर सॉल्यूशन के लिए बोलूंगा कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई मुझे मेरे टेलीग्राम बोल रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे अगर क्लास मतलब जैसे ही क्लासरूम से निकल रहा कोई मुझे भेज पाएगा, मेरे आजू बाजू का भी अगर कोई है, हाँ पेपर ला के अगर मुझे मेरे सेंटर पे पहुंचा सकता है, अगर आजू बाजू वाला कोई देख रहा है तो मेरे सेंटर, अगर उसने देखा होगा भुईसर में तो मेरे सेंटर पे अगर पहुंचा पाएगा तो ज्यादा अच्छा है, और अगर कोई तुरंत निकलते ही भेज देगा इंस्टाग्राम पे तो भी अच्छा है, तो दोनों चीजों में से जो कर दोगे तो कमेंट में लिख दो कौन भेज देगा मेरे को, अब राहुल से लास्ट टू लास्ट फटाफट बता दो और ये सभी कंटेंट, और मैं उनको टेलीग्राम पे भी फटाक से भेज दूंगा। देखो लास्ट एक और चीज बता रहा हूँ, जिनका कुछ भी नहीं हुआ है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कि Physics 1 से पहले आप Physics 2 करो, लास्ट के 3 लेसन कवर कर लो, एक मैग्नेटिक मटेरियल कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कर सकते हो, हर लेसन को 15-15 मिनट दोगे ना तो भी हो जाएगा, और बस एकदम एग्जाम में एकदम फुल फॉर्म में जाओ कि अपना इतना लेसन हो गया है अपन बहुत अच्छे से करेंगे, और बाकी 1-2 लेसन की आप थोड़े बहुत चीजें देख लो, मतलब नोट्स देख लो फटाफट, प्रदीपगिरी अकेडमी का जो हमारा एप्लीकेशन पे फ्री कंटेंट में आपको सर ने पूरा फ्री कर दिया, फ्री है ही है, मतलब नोट्स पूरा का पूरा फ्री है, तो आप वहां से जाके अपना नोट्स फटाफट देख सकते हो और बहुत अच्छे से चीजें कवर कर सकते हो, बस 8 चैप्टर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही से 8 चैप्टर 9 चैप्टर अगर आपने किया, मैं देखो अब लास्ट आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 70% अगर अपना सिलेबस कंप्लीट किया है बाकी बस देख तो आप बहुत ग्रेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उसको जो किया है बस उसको रिवाइज कर लो, इसलिए हम बस आपको एक मॉर्निंग में उठाने आए थे कि आप उठ जाओ, एक तरीका बताने आए थे, जनरली फिजिक्स के अंदर
ये मतलब कि मॉर्निंग रिवीजन पॉसिबल नहीं रहता, तो फिर भी हम आपके लिए क्या करने आए थे कि आपके अंदर एक रहेगा, फिर भी हमने कम से कम कुछ नहीं तो तीन लेसन उधर का मैंने रिवाइज कराया, फिजिक्स वन का हमने बताया, तो एक आइडिया आपको मिल गया, अब आप आराम से सभी चीजों को कवर कर सकते हो। ओके, तो लास्ट टू लास्ट एक और चीज बोलूंगा कि मेरे एंड राहुल सर की तरफ से ऑल द बेस्ट, पूरा जी जान लगा दिया है, बस घर में और सब में ब्लेसिंग लेके जाना बहुत जरूरी है हर चीजों के लिए, और भाई सेटिस्फाई रहना खुद के मार्क्स के लिए, सेटिस्फाई इस तरह से रहना कि जितना आपने पढ़ा है, कितना साल भर पढ़ा था, कितना चार दिनों में पढ़ा था, उसके थ्रू आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे सेटिस्फाई रहना। तो ज़्यादा टेंशन लोगे, ज़्यादा सोचोगे तो बिल्कुल गड़बड़ होगा। और मैं बोल रहा हूँ घर में मम्मी पापा का ब्लेसिंग लेके जाना है, जिसको भी आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग लेके जाना, ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एग्जाम्स के लिए। सब कुछ सही है, समझ में आ रहा है, बस मैं बोल रहा हूँ कि एक बार अगर नहीं कुछ भी आ रहा है, अगर मान लो कोई ऐसा बोल रहा है कि मैंने 8 चैप्टर किया 9 चैप्टर किया, तो जो चैप्टर बचा हुआ है ना, मैं बोलूंगा छोड़ो मत, अपने दोस्त से पूछ लो भाई इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा बता दे, उससे रिलेटेड जो भी आता ना, इवन न्यूमेरिकल्स भी अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिख रहा सॉल्व कर दो, कन्वर्जन कर दो, छोड़ो मत। 70 मार्क्स का पेपर अपने जीटी वाले बच्चे पूरे लिख के आएंगे, और 3 बजे से सब चीज स्टार्ट हो जाएगा, 2:30 को 2:45 को मेरा पेपर सॉल्विंग रहेगा, अदर्स के बाद 3 पेपर सॉल्विंग में हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है केमिस्ट्री का, समझ में आया, पेपर सॉल्विंग में वो एमसीक्यू बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो टाइम वाइम नहीं है, मॉडरेटर के लिए भी हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, नहीं मॉडरेटर फॉडरेटर कुछ नहीं होता भाई, सही बोलो तो, क्योंकि मैं बोलूं तो आपके लिए पढ़ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइम ही नहीं है केमिस्ट्री के लिए, हम ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लेंगे बस, नहीं केमिस्ट्री कैसे पेपर, हाँ बस वो संदीप सर से थोड़ा सा बात करेंगे जाने, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, टाइम ही नहीं है आपके, क्योंकि समझ में आए, तो लास्ट टू लास्ट अपना प्यार आपके साथ रहेगा, लव यू दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का, बस भर के आने का, मैथ तो अकेले राहुल सर संभालने वाले, मैथ का राहुल सर अच्छे थोड़ा टेंशन ले रहे हैं, मैथ का कोई टेंशन नहीं भाई, जो पेपर मैथ्स का आप टेंशन, मतलब आप जाके थोड़ा गिरी ट्यूटोरियल में मेरे वीडियोस देख लो मैथ्स का, और ऑलरेडी मैं मैथ्स का ही टीचर हूँ, ये तो फिजिक्स वाले हम लोग बने हुए हैं। तो चलो चलो चलो, बाय एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, और लिख के आना पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना, समझ में, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना, बहुत बार गलत होता है, समझ में, बहुत बार गलत होता है, और जो भी जितना कर सकते हो उतना करो, और पेपर मेरे को भेज देना मेरे इंस्टाग्राम पे, बस रिक्वेस्ट है मुझे, ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस, बस उठ गए हो, सो मत, पढ़ते रहो, ओमकार, राहुल सर एक बार ऑल द बेस्ट बोल दो, आप सभी लोगों को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, पेपर बहुत अच्छे से लिखना, और मैं बोलता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बस ये चीज दिमाग में रखना कि आपने लास्ट टाइम पे पढ़ाई की है, तो देखो फिर भी उस हिसाब से आपके पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे, आपने भी बहुत मेहनत किया, हमने तो जी जान लगा दिया, और प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कैसा लगा आपको, बस एक मिनट मतलब एक सेकंड जाएगा, अगर टाइम रहा तो, नहीं तो अपना पढ़ाई करते रहो, चलो बाय।